हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले बहुत इम्पोर्टेंट बात, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सुनिए, आज हम बात करेंगे पीएम 2022 के लिए काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ, कि कौन कौन से स्टूडेंट काउंसलिंग करा सकता है, किसका कितना रैंक है वो काउंसलिंग करवा सकता है और कितना रैंक पर उनको मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पहले एक एक बात समझिएगा। आप लोग देखते नहीं हो, पूरा कमेंट करते सर ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो पिछले यस 2021 के अनुसार आओ 2021 के अनुसार अगर देखा जाए 2022 में एडमिशन का प्रोसेस काउंसलिंग का, तो देखिए एएनएम में अगर आप एएनएम में एडमिशन करवाना चाहते हैं, एएनएम कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपका एएनएम के लिए जो रैंक होना चाहिए वो रैंक अगर हो जाता है 8261 के नीचे आ रहा है। अगर आपका रैंक 8000 तक आ रहा है, जी हाँ, अगर रैंक आपका 8000 तक आ रहा है तो आपको एएनएम में 2022 में काउंसलिंग करवाना चाहिए, आपको सीट मिलेगा। अब यहाँ पे किसी का दिमाग आ रहा हो कि सर अगर हम एससी कैटेगरी में आते हैं, आ रहा होगा सबको, आ रहा होगा ना। कोई कहता है सर एसटी में आते हैं, कोई कहता ओबीसी में आते हैं सर, कोई कहेगा सर बीसी सॉरी कोई कहेगा बीसी में आते हैं, कोई कहेगा ईबीसी में आते हैं सर, और कोई कहेगा क्या कि सर हम जो है ईडब्ल्यूएस में आते और कोई आरसीजी कैटेगरी अलग से आते। सुन लीजिए, तो जिनका एससी है, एससी एसटी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस आरसीजी जितने भी स्टूडेंट है, इन सबों के लिए अगर रैंक जो है 8261 के नीचे आ रहा है, 8000 तक आ रहा है, तो काउंसलिंग कराइए, ठीक है। क्योंकि सुन लो, काउंसलिंग कराइए आपको यहाँ पे, और काउंसलिंग में कम से कम 10 गो जरूर नाम दीजिएगा कॉलेज का, अपने अगल बगल जिला का 2-4 गो का नाम कॉलेज का जरूर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे, अगर हम जीएनएम की बात कर ले तो जीएनएम के लिए जो रैंक चाहिए पिछले दशक के अनुसार, पिछले 2021 के अनुसार 2022 में देखा गया तो वो है जो 1622। जी हाँ, अगर इस बार जो रैंक अगर उठाएगा जीएनएम के लिए तो 1622 पर उठाएगा। अगर आपका रैंक जो है किसी भी कैटेगरी से आइए और आपका 1600 के आसपास तक का रैंक होना चाहिए। अब दिमाग में आ रहा हूं कि सर मेरा जो है रैंक जो है 2000 के आसपास रैंक आ रहा है तो क्या काउंसलिंग करवाए? तो जी हाँ, अगर आपका 2000 तक रैंक भी आ रहा है और 3000 तक भी रैंक आ रहा है तो आप जीएनएम के लिए काउंसलिंग करवा दीजिए। समझ में आई बात? चाहे किसी भी आप कैटेगरी से रहिए। आगे, अगर आप ओटी में इन करना चाहते हैं और आपके लिए रैंक होना चाहिए 2700, जी हाँ, आपका रैंक 2700 होना जरूरी है तब आप ओटी के लिए काउंसलिंग। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से रहिए 2700 के नीचे आ रहा है और किसी का आया होगा 3000 रैंक, जी हाँ, अगर किसी का 3000 रैंक आया होगा या किसी का 3500 रैंक के आसपास है तो बच्चा आप भी जो है काउंसलिंग करवाइए ओटी में, ठीक है ना, ओटी में आप भी काउंसलिंग करवा लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम डी फार्मा का। तो डी फार्मा के लिए जो चाहिए आपको रैंक चाहिए गर्ल्स या बॉयज 1013 चाहिए, और इस 1013 में पूरे जितने कैटेगरी हैं सब आते हैं, ठीक है, यूआर वाले भी आते हैं, जी हाँ यूआर वाले भी आते हैं। अब अगर 1013 है और आपका रैंक 1500 आ जाता है, यानी 1500 के आसपास है, 2000 के आसपास है, तो आप भी काउंसलिंग करवाइए, आप भी काउंसलिंग करवाइए, ठीक है। अगर आपका रैंक, आप एक्सरे करना चाहते हैं, आप किसी के दिमाग में सर इतना से भी ज्यादा, 2000 से भी ज्यादा हम डी फार्मा करना चाहते हैं तो 2500 तक करवाइए, अगर 2500 तक आता है तो करवाइए रैंक, ठीक है ना, डी फार्मा के लिए 2500 तक रैंक आपका आ रहा है तो करवाइए, टेंशन कौन बात की है। अरे
करवाना है, सबको करवाना है, जिसको लग रहा है वो करवा लो, ठीक है, टेंशन नहीं लो, होगा तो होगा, ना होगा तो फिर से तैयारी करेंगे। आप अगर इससे ज्यादा रैंक आ रहा तो भी आप करवा दो, तो भी आप करवा दो। एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, पहले इसको सुन लो। अगर एक्सरे जिनको करना है तो एक्सरे के लिए रैंक जो चाहिए 123 से लेकर के 375 होना चाहिए। अगर किन्हीं का 4000 रैंक आ रहा होगा, ठीक है, 4000 अगर किन्हीं का रैंक आ रहा होगा या 4200 के आसपास किन्हीं का रैंक आ रहा है, तो आप काउंसलिंग एक्सरे में करवाइए, ठीक है। अगर किन्हीं का डीएमएलटी, जी हाँ, जो बच्चा डीएमएलटी करना चाहता है तो उनके लिए रैंक जो होना चाहिए 1745 के आसपास तक होना चाहिए, ठीक है। अगर यही जो है किन्हीं का 2000 है, ठीक है, 2000 रैंक आया, आप किन्हीं का 2500 रैंक आया है, तो भी आप काउंसलिंग करवा दीजिए, ठीक है। अगर आपका फिजियोथेरेपी करने का मन है और आपका रैंक जो 120 से 5466 के बीच आ रहा है, तो आप काउंसलिंग जो है करवा दीजिए। 5000 तक भी आ रहा फिजियोथेरेपी, बहुत अच्छा चीज है, करवा दीजिए। अब किसी के दिमाग में सर इतना बताए आप और जितना रैंक बताए उस सबसे मेरा टोटल जो है रैंक जो है 9000 के आसपास आ रहा है, 9000 के आसपास आ रहा है या इससे प्लस में जा रहा, ज्यादा ही जा रहा है, तो क्या हम काउंसलिंग करवाए, एडमिशन का चांस है? तो हम बोलते सुन लो, अगर 9000 के प्लस 9000 तक जा रहा है, 9000 तक अगर रैंक जा रहा है, तो आप अगर गर्ल्स हैं तो आपको काउंसलिंग करवा देना चाहिए, ठीक है, एएनएम के लिए। अगर आप गर्ल्स हैं तो एएनएम के लिए काउंसलिंग करवाना बहुत जरूरी, करवा दीजिए। अगर कोई बॉयज है और वो चाहता है ओटी से लेकर के इतना सारा कोर्स कर लो, तो आपका रैंक जो है 5000 तक है, 5000 तक प्लस जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 5500 तक जा रहा है, तो भी आप काउंसलिंग करा, इतना सारा कोर्स में काउंसलिंग करवा दीजिए, ठीक है। हड़बड़ाइए नहीं, करवाइए तो सही पहले, अरे भरोसा रखो, पहले करवाओ, ठीक है ना। तो इतना तक करवा लो काउंसलिंग, इतना अगर 9000 गर्ल्स है तो फिर काउंसलिंग एएनएम में करवा लो, और यहां से लेकर के यहां तक अगर आपका ओटी डी फार्मा एक्सरे डीएमएलटी फिजियोथेरेपी में अगर 5000 तक रैंक आ रहा है, तो आप इसको काउंसलिंग करवा लो, ठीक है, समझ में आई बात। इस वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।